हज़र आपने शुरू में नमाज तहज का जिक्र किया था कि इन में तो इंसान आसानी से उठ जाता है लेकिन मुस्किल इसको सारा साल यानी ख़ास तौर पर जर्मनी में रहते गर्मियों में इसको मुस्किल तौर तो पर और रोज़ाना घंटा डेढ़ अदा करना उसके लिए बेहतरीन ज़रिया क्या है और अपनी नमाजें नमाज तो ये तो ये तो, तो डिपेंड करता है कि कितने अल्लाह तब का तल्लुक है कितनी अल्लाह से मोहब्बत है बाकी कामों के लिए वक्त निकाल लेते हैं ना अगर अगर जर्मनी में रहते हुए रात को 11 बजे 10 बजे सूरज ईशा की नमाज़ होती है साढ़े दस बजे होती है और सुबह ढाई बजे पौने तीन बजे या तीन बजे तीन बजे तो यहाँ बल्कि यूके में उससे जल्दी शहरी हो जाती है वहाँ फिर एक घंटा लेट होती है शहरी आधा पौना घंटे का फ़र्क होता है तो दो घंटे सोएँ डेढ़ घंटा सोएँ उठ के नमाज पढ़ें फिर उसके बाद नमाज फजर के बाद फिर सो जाएँ एक दो घंटे ये तो ये तो अपना प्रोग्राम खुद बनाना पड़ता है अगर दिल में तड़प हो किसी काम के करने की तो सब रास्ते निकल जाते हैं हैं आपके इम्तिहान हो रहे होते थे जब जामिया ने पढ़ने का शौक़ होता था तो उठ के पुटते थे ना रात को ठीक है या कोई फिक्र पैदा हुई हो, हो तो बढ़ते हैं ना ये तो ये ये तो सोच की बात है अगर आप सोच को इस तरह ढाल लेंगे कि मैंने ये करना है काम तो अल्लाह ताला मदद करता है तो क्या है लोग तो घंटा डेढ़ घंटा सोते हैं रात को उसके बाद उठ के तो पढ़ लेते हैं फिर सुबह नमाज के फजर के पास हो गया जो बाकी वक्त हुआ ठीक है ठीक है ये तो ये तो निकालना पड़ता है वक्त उसके बाद दिन भी तो आपको मिल जाता है ना सारा दिन दोपहर को एक घंटा सो लिया करें नींद पूरी करने के लिए ये तो कोई ऐसा मसला नहीं है नौज अब जवानी में जवानी में इबादत होती है जो होती है तो आप जो नौजवान लोग हैं आप लोगों का ही वक्त है कि यही वक्त है इसको से फ़ायदा उठा लें हैं और जितना इबादत का हक अदा कर सकते हैं करने की कोशिश करें दर्जवानी तोबा करतन शेबा पैगम्बरी वक्त पीरी गुरगे ालम एशत परहेज़गार